हाय, आज हम अपने कंप्यूटर लेक्चर की पार्ट नंबर 3 सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर बनता कैसे है। फर्स्ट इनपुट यूनिट, देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देन आउटपुट। कंप्यूटर से हमें कोई भी कार्य करवाने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक, हम देते हैं इनपुट, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, देन उसका प्रोसेस होता है जो हमने इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को दी है, और आउटपुट जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए है वो आउटपुट में हमें मिलती है। तो इनपुट्स हमारे हार्डवेयर में जो आते हैं वो होता है माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन। माउस वैसे एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। इसका क्वेश्चन आता है माउस कौन सा डिवाइस है। माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस हार्डवेयर तो है लेकिन इसके साथ माउस हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे कि ट्रैक बॉल। अब हम जब भी कंप्यूटर को इनपुट देंगे किसी भी हार्डवेयर के द्वारा, जैसे कि कीबोर्ड से हमने कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को दी है, इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए, तो हमारा जाएगा फिर वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। तो सीपीयू क्या करता है, उसको सीपीयू के अंदर भी तीन भाग होते हैं, जैसे कि कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एक रहता है उसका मेमोरी। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर्स को कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है, उसको इंस्ट्रक्शंस देता है कि तुम्हें कार्य कैसे करने हैं। और एएलयू, एएलयू का वर्क क्या रहता है कि जो भी प्लस माइनस कैलकुलेशंस वगैरह रहती है, स्क्वायर रूट और लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से रहते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, इक्वल टू, कंपैरिजन करते हैं हम उनको, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ये होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स कि अगर संख्या कोई बड़ी है तो इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, ये काम रहता है एएलयू का। और उसके बाद रहता है हमारा, आता है मेमोरी यूनिट, ये स्टोरेज, कंप्यूटर से मांगी गई इंफॉर्मेशन से जो भी पहले उसमें स्टोर रहती है सीपीयू के अंदर, और कंप्यूटर से मांगने के बाद जो हम शेप करते हैं वो भी स्टोर होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। तो ये अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम रहता है, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। और एक और, अगर आंसर में ब्रेन ना हुआ तो कंप्यूटर का हार्ट भी बोलते हैं। देन हमारा जो इंफॉर्मेशन हमने मांगी है तो कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर स्टोर है, उसके बाद आउटपुट में ये देगा हमारे मॉनिटर को। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। वैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस को भी वेरियस टाइप के कैटेगरीज में बांटा जाता है। आउटपुट डिवाइस एक मॉनिटर है, देन प्रिंटर, प्रिंटर हमारा एक हार्डवेयर एज वेल एज आउटपुट डिवाइस जो हमें हार्ड कॉपी प्रदान करता है पेज के तौर पर, उसको बोलते हैं हम प्रिंटर। देन स्पीकर, स्पीकर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, प्लॉटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर से मिलती है उसको हम देखते हैं स्क्रीन पर, उसको बोलते हैं आउटपुट। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कंप्यूटर पर किसी बटन को दबाते हैं या मशीन पर, तो उसको कैसे पता चल जाता कि हमें कितनी तेजी से काम करना है? बेसिकली ये फर्मवेयर क्या है, ये मशीनों के अंदर एक हार्डवेयर के तौर पर एक सॉफ्टवेयर है, जो हार्डवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं, ये फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है। एक विशेष प्रकार की स्टोरेज मेमोरी होती है फर्मवेयर, इसके बिना हमारा कंप्यूटर चालू भी नहीं हो सकता, ये होता है हमारा फर्मवेयर।
फर्मवेयर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डाला जाता है, जैसे कि टीवी रिमोट, माइक्रोवेव, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, स्मार्ट बोर्ड, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, इन सभी में फर्मवेयर इंस्टॉल किया जाता है। आपने सॉफ्टवेयर का नाम सुना है, हार्डवेयर का नाम सुना है, लेकिन फर्मवेयर भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना हमारे हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कोई भी काम के नहीं। उसके अंदर एक मेमोरी रहती है जिसे फर्मवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, और उसी सॉफ्टवेयर की मदद से मशीन हमारे इनपुट्स को समझती है। तो फर्मवेयर, आपने समझा, ये बहुत ही खास और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं में और पूछा जाता है। जैसे कि आपने देखा है, ये एक रोबोट मशीन है, इसका प्लग इन है इस कंप्यूटर के साथ। तो अगर इसमें फर्मवेयर ना हो इस मशीन के अंदर, तो ये मशीन हमारे कोई भी काम की नहीं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फर्मवेयर हमारा रहता कहाँ है। तो फर्मवेयर हमारे हार्डवेयर के अंदर लिखे जाते हैं। कंप्यूटर का बायोस भी एक फर्मवेयर है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो हमारा फर्स्ट बायोस ऑन होता है, जो कि हार्डवेयर के रोम में इंस्टॉल रहता है। तो फर्मवेयर हमारी मेमोरी कहाँ रहती है? फर्मवेयर हमारी मेमोरी हार्डवेयर के रोम में इंस्टॉल रहती है, रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी को हम बोलते हैं रोम। तो रोम में हमारा फर्मवेयर इंस्टॉल रहता है। देन उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और बनता है फर्मवेयर से, फर्म बेयर। फर्मवेयर को बोला क्या जाता है? फर्मवेयर एक स्पेशल टाइप की मेमोरी रहती है, तो उसको बोला क्या जाता है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो देखिए, हमारे पास कोई लाइट पेन नहीं है, तो हम माउस से लिखते हैं। थोड़ी सी राइटिंग मिसमैच हो सकती है, इसको बोलते हैं हम फ्लैश रोम, FLASH, फ्लैश रीड ओनली मेमोरी, ROM, फ्लैश रोम। मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रजिस्टर्स, वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन। रजिस्टर, इंटरनल मेमोरी इन अ CPU इज नथिंग बट, इंटरनल मेमोरी हमारी कुछ भी नहीं होती जो CPU के अंदर, बट ये क्या? अ सेट ऑफ रजिस्टर, अ सेट ऑफ ALU, ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, बस बस को हम आगे चलकर बताएंगे, और माइक्रो प्रोसेसर भी। तो हमारा आंसर है ए, अ सेट ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर एक बहुत ही क्विक स्पीड मेमोरी रहती है जो CPU के टच में रहती है। रजिस्टर से जब भी हम CPU से बार बार किसी इंफॉर्मेशन को मांगते हैं, तो वो रजिस्टर्स में जाके सेव होती है। क्वेश्चन हमारा आता है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी की रजिस्टर, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, या कोई भी ऑप्शन आ जाते हैं। अगर हमारा ऑप्शन में रजिस्टर है, तो हमारी सबसे फास्ट स्पीड वाली मेमोरी का आंसर हुआ रजिस्टर। देन उसके बाद कैश का नंबर लगता है। अगर हमारे क्वेश्चन में रजिस्टर नहीं है, तो हमारा आंसर हुआ कैश मेमोरी। रजिस्टर्स आर यूज टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द CPU, दैट आर वेरियस टाइप ऑफ रजिस्टर, दोज आर यूज्ड वेरियस पर्पस। रजिस्टर्स एक फास्ट मेमोरी होती है। तो आपने ये क्वेश्चन देखा,
ये एक सीपीयू का ग्राफ है। सीपीयू रजिस्टर आता है, उसके बाद कैश मेमोरी आती है, उसके बाद मेन मेमोरी जैसे रैम रोम, ये भी एक मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरीज को हम बोलते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क हुआ हमारा, ऑप्टिकल्स में आ गए सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क, ये हमारे हो गए सेकेंडरी मेमोरी। तो ये सीपीयू वाला ग्राफ है। सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी? हमारी रजिस्टर्स। मैक्सिमम हमारे क्वेश्चन में आता है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो कैश मेमोरी आता है। देन अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा टफ पेपर बनाना हो तो वो हमारे कैश मेमोरी नहीं देगा, रजिस्टर देगा। नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एएमडी और इंटेल, इनका नाम आपने सुना होगा, ये बहुत ही फेमस कंपनियां हैं। बेसिकली एएमडी एक प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है और इंटेल भी एक प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है। जो एएमडी कई प्रकार के प्रोसेसर बनाते हैं तो उनमें एक खास रहता है फैंटम। फैंटम एक प्रोसेसर का नाम है जो अच्छे टाइप के प्रोसेसर बोलते हैं, थोड़े महंगे होते हैं। क्वेश्चन इनसे भी आ सकते हैं कि एएमडी का जो महंगा कॉस्टली प्रोसेसर है वो कौन सा है, तो फैंटम सीरीज। और इंटेल में भी बहुत प्रकार की प्रोसेसर्स आते हैं, जिसके थोड़े महंगे वाले प्रोसेसर रहते हैं, उसका कोर i3, इंटेल कोर i3, इंटेल i5, i7 देन i9, इनकी जनरेशन चलती है। नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? ये है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। अभी जो सबसे खास और फेमस प्रोसेसर चल रहा है वो राइजन सीरीज, ये गेमिंग्स में यूज होती है। और ये है हमारा पूरा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर लगाया जाता है, ये हमारा प्रोसेसर है, ये लगा हुआ है मदरबोर्ड में, माइक्रो प्रोसेसर। इसमें हजारों लाखों ट्रांजिस्टर्स को लगाया जाता है, रजिस्टर्स को लगाया जाता है, तब जाके एक माइक्रो प्रोसेसर बनता है। ये हमारे कंप्यूटर में स्पीड को पर पूरा निर्भर करता है। हमारे कंप्यूटर की बेसिकली पूरी स्पीड प्रोसेसर पर डिपेंड करती है कि हमारा प्रोसेसर जितना तेज हुआ उतना फास्ट हमारा कंप्यूटर वर्क करेगा। फर्स्ट प्रोसेसर एंड देन उसकी कैश मेमोरी, रजिस्टर्स और रैम। जितनी ज्यादा हुई उतनी तेजी से हमें इंफॉर्मेशन को लाकर देगा हमारा। तो ये जो है प्रोसेसर, इसके ऊपर एक फैन भी लगा रहता है, जो प्रोसेसर बहुत गर्म होता है। तो जब जितनी तेजी से प्रोसेसर वर्क करता है, हम कंप्यूटर को मल्टीपल टास्क कराते हैं, तो प्रोसेसर हमारा गर्म होता है, तो उसको ठंडा करने के लिए इसके ऊपर हमारा फैन लगाया जाता है, इस पर लगा होता है प्रोसेसर। ये आपने देखा माइक्रो प्रोसेसर क्या है। फर्स्ट इंटेल ने बनाया था माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर रहता है, जो माइक्रो कंप्यूटर में यूज होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ये क्वेश्चन भी एक आता है कि हम माइक्रो कंप्यूटर किसे बोलते हैं, या माइक्रो कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर यूज होता है। तो और प्रोसेसर हमारे कब इस्तेमाल हुए थे? प्रोसेसर का इस्तेमाल हमारा फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। फोर्थ जनरेशन IBM 4004 एक इसका अच्छा उदाहरण है, जो हमारा यूज होता था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर। देन हमारा अगली स्लाइड आती है, स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड बाय। प्रोसेसर की स्पीड किस में नापी जाती है? तो प्रोसेसर की स्पीड हमारी नापी जाती है मेगा हर्ट्ज। एंड देन अगर मेगा हर्ट्ज हमारे ऑप्शन में नहीं हुआ तो फिर हमारा आंसर कौन सा होगा? क्लॉक स्पीड। अगर हमारा आंसर मेगा हर्ट्ज नहीं हुआ तो हमारा फिर होगा क्लॉक स्पीड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड बाय मेगा हर्ट्ज। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। आंसर हमारा ए हुआ, इंटेल 4000। ये थोड़ा सा हमारा
टाइपिंग मिस्टेक हुआ, यहाँ 4000 है। इंटेल 4000 4004 वॉज मेड बाय द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, देखिए रिसेंटली हमने आपको बताया। और ये हमारा एक और क्वेश्चन आता है कि इसको डेवलप किसने किया था। ये एक बहुत ही बड़ी जो इन्वेंशन है प्रोसेसर की, इसलिए इन साइंटिस्ट का नेम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टेड हॉप एंड फ्रेडरिको फैगन। और कब हुआ था? 1971 में हमारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो गया था डेवलप। तो और एक क्वेश्चन और, तो 1971 में लग जाता है हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन जो चलती थी 1971 के अंडर आती है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, एंड देन फिफ्थ जनरेशन अभी हमारा चल रहा है। तो मदरबोर्ड, अब हम अपना देखेंगे मदरबोर्ड क्या होता है। ये देखिए मदरबोर्ड, ये आपका मदरबोर्ड मैनेज करता है, सभी इससे पार्ट कनेक्ट रहते हैं मदरबोर्ड से, जैसे कि रैम, रोम, सीपीयू, प्रोसेसर, फैन, सीमोस बैटरी, और ये सभी चीजें कनेक्ट रहती हैं मदरबोर्ड, उसी को बोलते हैं। ये रहा हमारा, इसके ऊपर लगा रहता है फैन, क्योंकि हमारा प्रोसेसर गर्म ना हो। मतलब सीमोस बैटरी भी इसी में लगी रहती है हमारी मदरबोर्ड में। ये स्लॉट्स वगैरह, मदर एक प्रकार से ये बोल सकते हैं मदरबोर्ड्स मेक्स एवरीथिंग इन अ कंप्यूटर वर्क्स टुगेदर। ये रैम है, ये सिलिकॉन से बनती है पूरी चिप, देन इस पर ये रजिस्टर लगे हुए हैं, ये हमारा ग्राफिक कार्ड्स है, बैटरी, फैन, यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड मतलब कोई रुकावट नहीं, पावर सप्लाई। यूपीएस हमारा काम आता है कंप्यूटर को बिजली देता है, जब हमारे बिजली कंप्यूटर की चली जाती है या अचानक से कोई बिजली हमारे घर की चली गई तो उसको बनाए रखता है ताकि कंप्यूटर वर्क करता रहे विदाउट इंटरप्शन। इसका ये मीनिंग हुआ यूपीएस के अंदर बेसिकली कुछ भी नहीं रहता, एक बैटरी है। जो पावर बैंक आपने देखा है, पावर बैंक क्या होता है, पावर बैंक के अंदर भी हमारी बैटरी होती है। जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो पावर बैंक में हम चार्जिंग लगाते हैं, तो पावर बैंक हमारा बिजली प्रदान करता है मोबाइल को। तो ये बड़ी बैटरी हुई यूपीएस। यूपीएस का ये बटन हो जाता है ऑन, और जब हमारी बिजली नहीं रहती है और कंप्यूटर इस पर डिपेंड रहता है तो ये आवाज भी करता है। एक यूपीएस प्रोवाइड्स इमरजेंसी पावर सप्लाई व्हेन द मेन पावर फेल्स। ओके, सो यूपीएस बेसिकली कुछ भी नहीं, बताया हमने अभी रिसेंटली, एक बैटरी यूपीएस। Which of the following is a part of central processing unit? CPU का पार्ट कौन सा रहता है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या ALU? अर्थमेटिक लॉजिकल। रिसेंटली हमने आपको बताया कि CPU का पार्ट रहता है ALU, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में। प्रिंटर हमारा CPU का पार्ट नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं है, और माउस, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, हार्डवेयर है माउस, माउस एक इनपुट डिवाइस है, एंड ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हमारा CPU का पार्ट है। तो आंसर हुआ हमारा डी। देन मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। द CPU इन आ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, CPU मिलकर बना रहता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग से, नो, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी, नो, कंप्यूट कंट्रोल यूनिट,
ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल एंड मेमोरी यूनिट? नो, तो फिर कौन सा है? हमारा आंसर है सी। हमने अभी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में बताया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी जो भी हम स्लाइड को मूव ऑन करेंगे तो आप अपने दिमाग में इसका आंसर सोचेंगे। अगर हम आपको आंसर बताएंगे तो फिर आपका दिमाग उतनी तेजी से ट्रिगर नहीं करेगा और ज्यादा देर तक अपने दिमाग में वो इंफॉर्मेशन रहेगी नहीं। तो पॉज कर लें। अगर हम किसी स्लाइड को जल्दी से मूव करते हैं तो हमारा आंसर हुआ कंट्रोल यूनिट। सीपीयू मिलकर बनता था तीन चीजों से, कंट्रोल, अर्थमेटिक और मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है हार्डवेयर्स के पार्ट को। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल्स ऑपरेशंस के लिए डिपेंड रहता है, प्लस माइनस और ग्रेटर देन इक्वल टू। मेमोरी यूनिट ये स्टोरेज के लिए वो रहता है पर काम करता है। आंसर हुआ हमारा सी। हम अगर आपको जल्दी जल्दी स्लाइड को मूव ऑन कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही छोटे से बेसिक बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही हाईली जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इज नोन एज, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस कोड। माइक्रो कोड, रजिस्टर, एक्युमुलेटर। अ ग्रुप ऑफ बिट्स, बिट्स का एक समूह है, दैट टेल्स, जो हमें बताता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशंस इज नोन एज इंस्ट्रक्शंस कोड। हमें कैसे काम करना है, किस जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वो कंप्यूटर हमारे जीरो और वन ही समझता है ना, बाइनरी नंबर्स। कभी आपने पावर का बटन देखा है? पावर, पावर के बटन में ऐसा ये रहता है। तो ये है हमारा जीरो मतलब बिजली गोल, ऑफ और बन मतलब चालू। देखना कभी। हमारा आंसर है ए। विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डेटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय डीसीपीयू? जो हाल ही में सीपीयू ने प्रोसेस की है इंफॉर्मेशन, वो कहाँ जाकर स्टोर होती है? जो हाल ही में मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल या PR1? सीपीयू के द्वारा हाल ही में जो प्रोसेस किया जाता है इंफॉर्मेशन या जो भी मांगा जाता है, तो वो कहाँ जाकर सेव होता है ये बताइए। मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल या PROM, इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हमारा आंसर है बी, इंटरनल मेमोरी में हमारा ये सेव रहता है। द सीपीयू यूनिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पेरिफेरल, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? सीपीयू किसका एग्जाम्पल है? सीपीयू पेरिफेरल, क्या वो फर्मवेयर है या सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? सीपीयू एक हार्डवेयर है, पेरिफेरल अलग चीजें होती हैं। पेरिफेरल्स डिवाइस होते हैं जो उनकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, वो हमारे पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। फर्मवेयर हमने अभी रिसेंटली बताया आपको। हार्डवेयर में, हार्डवेयर के लिए एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर आपको पता है जिसको हम छू नहीं सकते उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये भी एक अलग टाइप की उसकी डेफिनेशन हुई। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम कभी छू नहीं सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस कोड लिखे जाते हैं सॉफ्टवेयर्स के अंदर। सीपीयू रिट्रीव्स इट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम, कहाँ से प्राप्त करता है सीपीयू हमारा? सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी या ऑल ऑफ द अबव? हमारा आंसर है
बी मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी कैसे बोलते हैं हम, मेन मेमोरी रैम, सीपीयू हमारा रैम से लेता है डेटा या रोम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम को बोलते हैं हम ठीक है ठीक है ठीक है, कॉल कर लो। ROM। रैम और रोम को हम बोलते हैं मेन मेमोरी, और इसका अदर नेम भी है हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी रैम रोम हुई। देन सेकेंडरी, ये क्या हुआ, ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हुई हमारी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल्स में आ जाएंगे हमारे, ये भी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं, ये CD, DVD, ये कंप्यूटर के अंदर नहीं रहते हैं, बट हम इनको इंसर्ट करके अपना अलग से स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशंस को। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD। और ऑक्सिलरी क्या हुआ, ऑक्सिलरी भी हम सेकेंडरी मेमोरी को बोलते हैं। ऑक्स मतलब सहायता करता है, जैसे ऑक्स केबल सहायता करता है ना, ऑक्स का मीनिंग ही है सहायता, ये हमारे हेल्प करता है। ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, ये याद रखिए। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कौन सी है हमारी, प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम आती है और रोम आती है। तो क्वेश्चन आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कौन सी चीजें आती हैं। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारे आते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज, जिसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, और फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप, या फिर ये भी आ सकता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ऑप्टिकल डिवाइसेस कौन से हैं स्टोरेज। तो उसके लिए हमारा हो गया CD, कॉम्पैक्ट डिस्क या DVD। देन मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। पिक द बन दैट इज यूज फॉर लॉजिकल ऑपरेशन और कंपैरिजन सच एज लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए कौन से हमारे वो है पार्ट। पिक द बन, CU कंट्रोल यूनिट, ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इनपुट यूनिट या MU, कौन है रिस्पॉन्सिबल लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए। प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर, कंट्रोल यूनिट तो कंट्रोल करता है, ये तो है नहीं। एलिमिनेशन करना सीखिए कि हमारा आंसर ये नहीं हो सकता, ये पढ़ा है हमने, ये नहीं हो सकता, तो ये बचा। इससे भी 90% आंसर्स हमारे सही निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन मेथड्स। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये यही है क्या हमारा आंसर। हाँ यही है, लॉजिकल्स ऑपरेशन के लिए ALU डिपेंड रहता है, इनपुट यूनिट्स भी। आंसर हुआ हमारा ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, बैंक्स में सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, डिसीजन लेने में कौन सा हमारा रहता है। CPU कौन लेता है डिसीजन, CPU लेता है क्या वो, ALU या MU। इनपुट यूनिट बेसिकली CPU के अंदर सब आता है, तो डिसीजन तो हमारा CPU ही लेगा, CPU के अंदर आता है ना, इसलिए ALU हमारा आंसर नहीं है। CPU के अंदर तो सब आता है, कंट्रोल, स्टोर और ALU। आंसर हमारा CPU। ट्रिकी क्वेश्चन है ये, जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ALU लगाएं कि CPU लगाएं, इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट या सेकंड। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने आपके लिए ये फ्रेम किए हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि एक स्लाइड है तो आपको एक क्वेश्चन ही मिला, कितने ही क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये 5000 सीरीज के अंदर 10,000 भी हो सकता है, आप थोड़ा याद रखें। CPU का फुल फॉर्म आ जाता है, ALU का फुल फॉर्म आ जाता है, इनपुट्स कौन है, तो ये क्वेश्चन हुए ना हमारे, एक क्वेश्चन के अंदर 10-10, 12-12 क्वेश्चन बनते हैं। द मशीन साइकिल इंक्लूड्स, मशीन साइकिल के अंदर क्या होता है, मशीन साइकिल्स CPU फैच डिकोड एग्जीक्यूट लागू करता है, स्टोर करता है, ऑल ऑफ दिस मशीन साइकिल के अंदर हमारे सभी आते हैं। फिच करता है
डिकोड करता है, एग्जीक्यूट लागू भी करता है और स्टोर करता है डेटा को सीपीयू ना, मशीन साइकिल। हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, अभी हमने आपको बताया रिसेंटली माइक्रो प्रोसेसर क्या है, कब हुआ, किस क्या होता है और कब इसका आविष्कार हुआ। इसके साइंटिस्ट भी हमने अभी आपको दिखाए थे, नो साइंटिस्ट नहीं दिखाया, आपको नेम बताया था। आंसर है हमारा अमेरिकन टैड हॉफ। ये रहे हमारे माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक, डिजिटल कंप्यूटर के गणितज्ञ। इनको बोला जाता है डिजिटल ब्रेन्स ऑफ दी वर्ल्ड। टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रोसेसर, रिसेंटली हमने आपको बताया मेगाहर्ट्ज। अगर आंसर में हमारा मेगाहर्ट्ज नहीं है तो फिर आप क्या लगाएंगे, प्रोसेसिंग स्पीड, क्लॉक स्पीड, मेमोरी और यूनिट। हमारा आंसर है बी, क्लॉक स्पीड इसका आंसर है। प्रोसेसर की स्पीड मेजर की जाती है क्लॉक स्पीड में। जिस क्वेश्चन में हमें टाइम लगाना होगा हम उसमें आपको समझाएंगे, और जब जरूरत ही नहीं होगी तो हम जल्दी से मूव ऑन करेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। द सीपीयू इज मेड अप ऑफ टू स्मॉलर कंपोनेंट, सीपीयू दो स्मॉलर कंपोनेंट से मिलकर बनता है, क्या वो रैम है, रोम है, रोम है, पीआरओएम है, एएलयू एंड रैम है, या एएलयू या सीयू है। तो यही है हमारा आंसर डी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो आंसर है हमारा डी, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, और पीआरओएम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हुए ना 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, और एक सीपीयू इज मेड अप ऑफ टू स्मॉलर, 6 क्वेश्चन। देन द टर्म डेसिग्नेट इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू एनहेंस इट्स फंक्शनैलिटी। रिसेंटली हमने आपको बताया तो कंप्यूटर की गुणवत्ता को, फंक्शनैलिटी को मजबूत करते हैं, बढ़ाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्या वो डिजिटल सर्विस है, सिस्टम एड ऑन है, डिस्क पैकेज है, या पेरिफेरल डिवाइस। ये हमारा आंसर है पेरिफेरल डिवाइस इनको बोलते हैं। डी आंसर है हमारा डी, पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर आ जाता है पेन ड्राइव। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा। डेटा की प्रोसेसिंग के ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, और डेटा की प्रोसेसिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मदरबोर्ड। हमारा आंसर है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के अंदर सभी चीजें लगी रहती है, रैम रोम, मदरबोर्ड मेक्स एवरीथिंग। मदरबोर्ड के अंदर हमारा ग्राफिक कार्ड, रैम रोम, फैन, पीसीबी, पीसीबी का फुल फॉर्म, पीसीबी का फुल फॉर्म भी सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, डीवीडी, प्रोसेसर, ये सभी चीजें हमारे मदरबोर्ड में लगी रहती हैं। मदरबोर्ड्स के अंदर हमारे कंप्यूटर्स के बहुत सारे पार्ट्स कनेक्टेड रहते हैं, रजिस्टर्स, सभी चीज हमारे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में भी दो टाइप के आते हैं, इंटीग्रल मदरबोर्ड, नॉन इंटीग्रल मदरबोर्ड। तो इतना डीप में हम नहीं जाएंगे। अनदर नेम फॉर लॉजिकल चिप, लॉजिकल चिप्स का नेम क्या है, पीआरओएम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी, रोम या माइक्रो प्रोसेसर। हमारा आंसर है डी, माइक्रो प्रोसेसर, लॉजिकल चिप्स को। ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर रहता है वो लॉजिकल चिप उसका अनदर नेम है। चिप इज मेड अप ऑफ वो सिलिकॉन। द सर्किट बोर्ड इज यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एज कंप्यूटर, कैलकुलेटर और डिजिटल सिस्टम।
उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर बोलते हैं, प्रिंटर नहीं, रजिस्टर भी नहीं, वैल्यू भी नहीं, आर्किटेक्चर हम बोलते हैं। हमारा आंसर है ए, जो सर्किट बोर्ड रहता है ना ग्रीन कलर का, सिलिकॉन से बना रहता है, सिलिकॉन चिप से रजिस्टर लगे रहते हैं, छोटे-छोटे सेल्स, उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर, बनावट। कैलकुलेटर में भी रहता है। माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज्ड टू मेक कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर, ऑल ऑफ दिस माइक्रो प्रोसेसर सब बनाता है। माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर। आंसर हमारा ऑल ऑफ दिस यूज होता है, डिजिटल सिस्टम कंप्यूटर बनाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर हमारे यूज होते हैं। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड, जो कम्युनिकेशन लाइन रहती है जिस पर हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बस। जैसे कि एक बस रहती है, हाईवे आपने सुना है ना, हाईवे, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स को कनेक्ट करता है। ऐसे ही तो उसमें हमारे तरह तरह की चीजें मिलती है, इनपुट आउटपुट, मेमोरी, सीपीयू, फिर स्टोरेज, इसको बोलते हैं हम बस। कम्युनिकेशन लाइन को हम बोलते हैं, जो कम्युनिकेशन जिस पर ट्रेवल करता है हमारा डेटा, हम इंफॉर्मेशन पूछते हैं, डेटा को ट्रेवल बस के द्वारा कराया जाता है। जैसे हाईवे हुआ डायरेक्टली, कि हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, हाईवे हमें कनेक्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट को। ए हमारा आंसर हुआ बस। विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पार्ट कौन नहीं है, सीपीयू, मॉनिटर, माउस या यूपीएस। यूपीएस हमारा कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, बेसिकली ये एक बैटरी है, कंप्यूटर के साथ नहीं आता है, इसके बिना हमारा काम चल सकता है, यूपीएस के बिना। बट हमारा सीपीयू नहीं हुआ तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, मॉनिटर और माउस इनके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करेंगे, हमें ये कंप्यूटर को चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए, तो इंटीग्रल पार्ट नहीं है यूपीएस। यूपीएस एक बैटरी है, यूपीएस का फुल फॉर्म इंटरप्टेबल पावर सप्लाई, फॉर इमरजेंसी बेस में यूज करते हैं इसको। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट द डेटा इनटू, बेसिक गोल क्या रहता है, डेटा को कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन में बदलता है ना कंप्यूटर। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस, कंप्यूटर किसी इंफॉर्मेशन को, अपन ने इनपुट दिया, उसके बाद प्रोसेस हुआ, और हम इनपुट क्यों दे रहे हैं, कि हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए उससे, हमने कुछ मांगा है कि हमें, हमने अपनी फाइल या फोटो या खींचनी है, तो कुछ भी हमने पहले कंप्यूटर से इनपुट किया है, माउस से उस बटन को क्लिक किया, देन उसके बाद डेटा थोड़ा कर्सर घूमता है कभी कभी, जिसके कंप्यूटर उतनी तेज वर्क नहीं करते, तो वो डेटा का प्रोसेस होता है। देन इंफॉर्मेशन मॉनिटर पे हमारा इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, वो फोटो, तो वो हुई हमारी इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करता है, तो आंसर हुआ हमारा इंफॉर्मेशन। और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट सिलेक्शन हैव स्पेशल पर्पस लोकेशन कॉल्ड रजिस्टर्स, रैम, बायोस या इनपुट आउटपुट। एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट सिलेक्शन हैव स्पेशल पर्पस लोकेशन कॉल्ड रजिस्टर्स। आंसर हुआ हमारा ए, अर्थमेटिक, एंड ये सीपीयू का पार्ट है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट सिलेक्ट हैव स्पेशल पर्पस लोकेशंस में ये रखे जाते हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स जो यूनिट है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। द सीपीयू कंप्राइजेस ऑफ कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, मिलकर बना होता है हमारा सीपीयू। एक तो हुआ कंट्रोल यूनिट, देन मेमोरी यूनिट, और याद करिए हमने कंप्यूटर्स, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स में आपको बताया, तीन चीजों से मिलकर हमारा सीपीयू बना रहता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या वो है, क्या वो एलयू है, या आउटपुट, इनपुट। इनपुट दी हमने, सीपीयू के अंदर तीन चीजें आती हैं, तो हमारा आंसर हुआ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल
यूनिट भी आंसर हुआ है कंट्रोल यूनिट, दूसरा एएलयू और मेमोरी यूनिट, मेमोरी के अंदर आते हैं रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम रोम, ठीक है। ये बाय मिस्टेक हो गया होगा। देन सी इन कंप्यूटर डिनोट्स, सी किस चीज से डिनोट करता है? कंट्रोल, नो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आंसर हुआ हमारा बी, सी मतलब सेंट्रल, फर्स्ट जो हमारा लेटर है वो डिनोट्स करता है सेंट्रल को, तो सेंट्रल में ही रहता है ना, और बेसिकली कंप्यूटर, कंप्यूटर का बताया अभी, तीन चीजों से मिलकर बना रहता है कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड, माइक्रो प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं और हार्ट ऑफ भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ब्रेन बस दिया है, और हार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोचिप, नो माइक्रो, मैक्रोचिप, माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर, आंसर हुआ हमारा बी माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोचिप। देन एक और क्वेश्चन है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड को हम बैकबोन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, सीपीयू को ब्रेन और हार्ट, एंड देन मदरबोर्ड को बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी। इफ अ प्रोसेसर हैज अ बर्ड साइज ऑफ 32 कंपेयर्ड टू अ प्रोसेसर विथ अ बर्ड साइज ऑफ 16 बिट्स इट कैन एट अ टाइम, देखिए ये आपको डायरेक्टली ट्वाइस एज मच, इसका आंसर है ट्वाइस एज मच, हाफ एज मच, थ्राइस एज मच, द सेम अमाउंट, आंसर है इसका ट्वाइस एज मच। तो किसी चीज की अब प्रोसेसर हैज अ बर्ड साइज 32 बिट, अगर किसी प्रोसेसर की साइज 32 बिट हुई, कंपेयर टू कंपेयर कर प्रोसेसर विद अ बर्ड साइज 16 बिट, इट कैन बी एट अ टाइम डबल रहती है। अगर किसी प्रोसेसर की बर्ड साइज 16 बिट हुई तो उसकी प्रोसेसर की बर्ड साइज कंपेयर करेंगे प्रोसेसर को 32 बिट हुई होगी, अगर किसी प्रोसेसर की बर्ड साइज 16 हुई बिट्स में उसकी 32 होगी। अगर 32 हुई तो 64 होगी, ट्वाइस एज मच रहता है इसका आंसर, ट्वाइस एज मच, अगर 32 हुई इसकी बर्ड साइज, सॉरी 64 हुई तो 128 होगी, इसका आंसर बेसिकली आपको ट्वाइस एज मच लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डेवलप द माइक्रो प्रोसेसर, किस कंपनी ने डेवलप किया था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, पूरी बड़ी कंपनी है IBM, इंटेल, इंटेल एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रोसेसर बनाती है, इंटेल कंपनी, आंसर है हमारा डी इंटेल, इंटेल ने 4004 4000 डेवलप किया था इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर। मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। व्हाट डज एएलयू डिनोट्स? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका हमारा आंसर है। एएलयू मींस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रिसेंटली हमने आपको बताया इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है और ये हमारा क्वेश्चन हुआ। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ, सीयू का कौन सा फंक्शन नहीं है इनमें से? कंट्रोल क्या क्या करता है? रीड करता है इंस्ट्रक्शन को, यस, इंटरप्रिटेट करता है, ट्रांसलेट मतलब इंटरप्रीट का मतलब, और एग्जीक्यूट लागू करता है या डायरेक्ट ऑपरेशन करता है, ये सभी चीजें करते हैं, प्रोवाइड कंट्रोल सिग्नल्स, डी डायरेक्ट ऑपरेशन हमारा नहीं करता है कंट्रोल यूनिट, बाकी और सभी चीजें रीड करता है, इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है, प्रोवाइड कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल तो करता ही है बट डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं करता है, ठीक है, हमारा आंसर हुआ डी, कौन सा फंक्शन नहीं है ये पूछा है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सीयू का, विच इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेस,
मैनेज कौन करता है कंप्यूटर रिसोर्स को? ALU, बस कंट्रोल यूनिट या इनपुट आउटपुट? आंसर है हमारा सी, कंट्रोल करता है मैनेज सभी पार्ट्स के, वही इंस्ट्रक्शंस को देता है कंट्रोल करने के, कंप्यूटर के रिसोर्सेस को, कंट्रोल यूनिट। दैट इज फैन द मोर पावर हंग्री कंपोनेंट्स सच एज टू मॉनिटर एंड हार्ड ड्राइव आर पुट एन आइडल, हाइबरनेशन, पावर डाउन, स्टैंड बाय मोड और सिट डाउन। दैट इज वैन द मोर पावर हंग्री, जब हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है कंपोनेंट्स कंप्यूटर के, तो सच एज द मॉनिटर एंड हार्ड ड्राइव आर पुट एन आइडल, तब हम कंप्यूटर को किस में डालते हैं? पावर डाउन तो नहीं करते हैं, स्टैंड बाय मोड, हाइबरनेशन, सी स्टैंड बाय मोड। स्टैंड बाय मोड में हम कंप्यूटर को लगाते हैं। जो अतिरिक्त पावर लेता है हमारा कंप्यूटर उसको बोलते हैं स्टैंड बाय मोड। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड? कीबोर्ड, माउस, ALU, CPU है। आंसर हमारा CPU, बहुत ही चीप क्वेश्चन है। प्रोसेसर कंटेन्स कंट्रोल यूनिट एंड ए और एन मिलकर बना होता है हमारा प्रोसेसर। कंट्रोल यूनिट प्राइमरी स्टोरेज इनपुट या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट प्रोसेसर? आंसर हमारा डी, ALU, CU। हमारा यहाँ पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ, ये पार्ट नंबर 4 होगा। अब हम अगले अपने पार्ट नंबर 4 में मिलेंगे, कंप्यूटर्स के हार्डवेयर की जानकारी लेंगे, या कुछ और भी जो आपको स्पेशल क्वेश्चंस मिलेंगे वो हम कंप्यूटर में आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी भी एग्जाम की गुणवत्ता बरकरार रहे और बनी रहे। मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में।